तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग को शॉक लगेगा कि ये सब मैंने अवतार क्यों रखा है। तो दोस्तों बस यही कहना चाहूंगा कि लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में मैंने सोचा कि क्यों ना सर को मुड़वा लिया जाए और 2 हफ्ते हो गए और थोड़ी सी ग्रोथ हो चुकी है बाल में। और अब बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूँ इस वोल्टास के 1 टन 5 स्टार इन्वर्टर एसी के बारे में, इसके रिमोट कंट्रोल का जो फीचर है किस ढंग से काम करता है, सारे बटन्स में क्या क्या फंक्शंस है, कैसे आप इसको ऑपरेट कर सकते हो, सब कुछ कवर होगा आज के इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही धमाल और कमाल होने वाला है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, घंटी बजाइए, टंटना शुरू। बात करते हैं वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हो ऐप की गाइड, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों ये है इस एयर कंडीशन का रिमोट कंट्रोल, और यहाँ पे सबसे पहले और ऊपर वाले बटन के बारे में बात करें जो कि ये है, यहाँ पे सिंबल से समझ में आता है कि ये एसी को स्विच ऑन और ऑफ करने के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे एक बार मैं प्रेस करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एसी स्विच ऑन हो गई है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्लस और माइनस का बटन दिया गया है। ये बेसिकली यूज होता है टेम्परेचर कम और ज़्यादा करने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप प्लस को दबाओगे तो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस करोगे तो यहाँ पे टेम्परेचर कम होते जाएगा। तो ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले कीज है इस रिमोट कंट्रोल में। और अब यहां पे आगे बढ़ते और बात करते हैं इस मोड वाले बटन के बारे में। तो ये बेसिकली इस एयर कंडीशन में आपको 4 मोड देखने को मिल जाएगा, लेकिन जो काम करते हैं वो 3 ही है। तो यहां पे सबसे पहले आप लोग अगर रिमोट कंट्रोल में देखोगे तो यहां पे एक आइस का सिंबल दिया गया है। तो इस समय ये जो मोड चल रहा है वो कूलिंग मोड पर है, और इसको कूलिंग मोड कहते हैं। और इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट मोड के बारे में, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो तो एक ड्रॉप का साइन बनकर आ गया है रिमोट कंट्रोल के एलईडी स्क्रीन पर। ये बेसिकली है सुपर ड्राई बोल सकते हो, या फिर मॉनसून वाला मोड बोल सकते हो, या फिर कोई भी नाम दे सकते हो। ये बेसिकली यूज़ होता है मॉनसून के सीज़न में, जिससे जो भी मॉइस्चर वगैरह है इस एसी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये मोड दिया गया है। इसके बाद बात करें अगले मोड के बारे में, तो यहाँ पर एक ये मोड है, ये हीटिंग मोड है। जो 2-in-1 वाले एसी होते हैं उस समय ये मोड काम में आता है, लेकिन ये एयर कंडीशन में आपको सिर्फ और सिर्फ कूलिंग मोड दिया गया है, हीटिंग मोड का ऑप्शन आपको इस एयर कंडीशन में नहीं देखने को मिलता। और बात करें नेक्स्ट मोड के बारे में, तो यहाँ पे आपको एक फैन मोड भी देखने को मिल जाता है। तो इस वक्त फैन मोड एक्टिवेट हो गया है, आप देख सकते हो रिमोट में भी आपको आइकन दिख रहा होगा एक फैन का। और यहाँ पे जो लेवल आपको देखने मिलेगा, 1, 2, 3 तरह के लेवल है, मतलब आप इसको इस वाले बटन से कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग अभी एकदम लो लेवल पे है फैन का स्पीड, उसके बाद एक बार और प्रेस करोगे सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, ये 3 लेवल आपको देखने को मिल जाएंगे फैन की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। तो दोस्तों आप लोगों को एक खुफिया टेक्निक बताना चाहूँगा इस रिमोट कंट्रोल के जरिए, जिसमें आप चाइल्ड लॉक का इस्तेमाल कर सकते हो। ये बहुत लोगों को नहीं पता होता, तो यहाँ पे आपको एक बार इसको प्रेस करना है और एक बार इसको प्रेस करना है। जैसे आप प्रेस करके रखोगे तो ये इसको चाइल्ड लॉक कहते हैं। आप लोग देख सकते हो रिमोट कंट्रोल पे एलईडी स्क्रीन पर लॉक का आइकन आ चुका है। अब आप कितना भी कुछ भी प्रेस करो कुछ भी काम नहीं करने वाला, क्योंकि ये रिमोट कंट्रोल का जो फीचर है पूरी तरह से लॉक हो गया। तो ये बेसिकली इसको चाइल्ड लॉक कहते हैं। अगर घर पे बच्चे हैं तो आप इसका इस्तेमाल जरूर कीजिए, और इसको हटाने के लिए बस आपको वापस से दबाना है। दोस्तों मान लीजिए अगर आपने चाइल्ड लॉक कर दिया है और उसके बाद एक साथ में प्रेस नहीं कर पा रहे, या फिर कुछ ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक यूनिवर्सल जुगाड़ करना है, जिसको हम लोग आसान भाषा में कहें तो बस आपको रिमोट कंट्रोल का जो बैटरीज है वो निकाल दीजिए, रिमोट कंट्रोल का जो चाइल्ड लॉक है वो हट जाएगा। तो इसमें डरने वाली बात नहीं कि भाई मैंने किया और चाइल्ड लॉक कर दिया और हट नहीं रहा है, तो डरने वाली जरा भी बात नहीं है। और अब बात करें इस वी स्विंग बटन के बारे में, तो ये इसका फुल फॉर्म होता है वर्टिकल स्विंग, और इसको प्रेस करके बेसिकली आप जो ये एयर कंडीशन का फ्लैप है उसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। मान लीजिए आपको एसी एक जो एयर थ्रो है एक ही डायरेक्शन में चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ आपको ये यूज करना है, और जैसा भी डायरेक्शन चाहिए आप इसको प्रेस करके आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और बात करें यहाँ पे एच स्विंग बटन के बारे में, इसका फुल फॉर्म होता है हॉरिजॉन्टल स्विंग, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो फीचर है इस एयर कंडीशन में एप्लीकेबल नहीं है, तो इसको कितना भी दबा लो कुछ काम नहीं करने वाला। अब यहाँ पे आगे बढ़े और बात करें स्लीप की के बारे में, तो स्लीप मोड बेसिकली अगर रात में आपको चाहिए कि 8 घंटे बाद एयर कंडीशन बंद हो जाए, तो आप ये मोड को एक्टिवेट कर सकते हो। अगर इस पे मैं आपको प्रेस करके भी दिखा देता हूं, तो जैसे मैंने देखो यहां पे प्रेस किया, यहां पे आप लोग देख सकते हो रिमोट पर एक चांद का आइकन आ चुका है, और
8 घंटे बाद एसी बंद हो जाएगा। और मान लीजिए कि अगर आपने स्लीप मोड लगाया है रात के 9 बजे तो 8 घंटे बाद वो एसी तो बंद होगा ही, और साथ ही साथ जो अगर उस समय टेम्परेचर अगर 20 पे है तो धीरे धीरे हर एक घंटे के बाद एक एक टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, क्योंकि रात में टेम्परेचर जो है वो मतलब नेचर का वो ऑलरेडी थोड़ा सा डाउन होता है। तो इसके हिसाब से जो एयर कंडीशन की जो कूलिंग है आपके रूम में प्रॉपर बनी रहे, इसके लिए वो एक एक टेम्परेचर को बढ़ाते जाएगा, तो जिससे आपको कूलिंग जो है एकदम बैलेंस वाली मिले। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे अगले बटन के बारे में, जो है लैंप का बटन। ये बटन का इस्तेमाल करके आप बेसिकली जो एयर कंडीशन के इंडोर यूनिट का जो एलईडी है उसको बंद कर सकते हो। जैसा आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो एलईडी है वो बंद हो गया। अगर आपको चाहिए कि आप उसको ऑन कर ले तो इसको बस आपको वापस से प्रेस करना है, वो ऑन हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोग रिमोट पे एक छोटा सा आइकन भी देख सकते हो बल्ब का, जो बेसिकली इंडिकेट करता है कि इस समय वो जल रहा है या फिर बंद हो रहा है। तो रात में सोते वक्त समझ लो आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि भाई वो एयर कंडीशन में इंडिकेटर आ रहा है, एलईडी लाइट जल रही है, उसको आप बंद करने के लिए आप इस बटन का इस्तेमाल कर सकते हो। और अब बात करें अगले बटन के बारे में, जो है सेवर का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक इंडियन कंज्यूमर के लिए। और जो लोग बचत करना चाहते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, उनके लिए तो भाई ये बटन बहुत ही काम की चीज़ है। तो यहाँ पे अगर इसको बटन को प्रेस करके आप यहाँ पे देख सकते हो ई करके एक आइकन भी आ गया है रिमोट कंट्रोल में। ये बेसिकली क्या करता है कि इलेक्ट्रिसिटी सेव करने में आपकी हेल्प करेगा, साथ ही साथ जो टेम्परेचर है 24 पे सेट कर देगा। अब आप 24 से कम ज़्यादा कुछ भी नहीं कर पाओगे क्योंकि ये फिक्स्ड हो जाता है यहाँ पर इस सेवर मोड में। आई एम श्योर हम सभी को इलेक्ट्रिसिटी तो बचानी ही है, तो यहाँ पे सेवर मोड वाला जो ऑप्शन है वो हमेशा यूज कीजिए, ये मेरा आप सभी को रिकमेंडेशन होगा। अब बात करें यहाँ पे अगले बटन के बारे में, तो ये है टर्बो मोड का बटन। ये बेसिकली इंस्टेंट कूलिंग के लिए होता है। समझ लो आप बाहर से आ रहे हो, रूम गर्म है, आपको फटाक से कूलिंग चाहिए एकदम फास्ट, तो इस समय आप टर्बो मोड को एक्टिवेट कर लीजिए। आप देख सकते हो रिमोट कंट्रोल में भी टर्बो लेके आ गया है और कूलिंग बहुत, मतलब जो फैन का जो स्पीड है वो भी बढ़ जाता है और जो टेम्परेचर है वो एकदम जो एकदम लास्ट टेम्परेचर है मतलब इस एयर कंडीशन का 18 या फिर 16 उस पर वो सेट हो जाता है। और कूलिंग कम से कम 5 या 10 मिनट के अंदर बहुत ही अच्छी खासी कूलिंग हो जाती है इस टर्बो मोड के थ्रू। और अब यहाँ पे बात करें मोस्ट डिमांडिंग फीचर के बारे में, जो इस एसी में टाइमर का दिया गया है। तो यहाँ पे आपको टाइमर ऑन और टाइमर ऑफ का बटन दिया गया है, तो आपको मैं एक एक करके बताता हूँ कि ये टाइमर ऑन का बटन किस ढंग से काम करता है और ऑफ वाला किस ढंग से काम करता है। तो जो टाइमर ऑन का फीचर है उसको दिखाने के लिए मुझे सबसे पहले एयर कंडीशन ऑफ करना होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एयर कंडीशन पूरी तरह से ऑफ है और अब मुझे चाहिए कि मैं टाइमर ऑन का फीचर यूज करूं और 2 घंटे बाद एसी अपने आप स्विच ऑन हो जाना चाहिए। तो यहां पे मैं आऊंगा रिमोट कंट्रोल में और टाइमर ऑन का जो बटन है उसको प्रेस करूंगा। तो आप लोग देखते हो तो यहाँ पे 1 आवर का टाइम आ गया है। अगर समझ लो मुझे 2 घंटे का यूज करना है कि 2 घंटे बाद एयर कंडीशन ऑन होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं 2 घंटे वाला प्रेस कर दूंगा टाइमर। एक बार मैं वापस से प्रेस करके 2 आवर्स देखो लिख के आ गया और उसको दबाने के बाद यहाँ पे सेट कर दूंगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो टाइमर ऑन भी लिख के आ गया है रिमोट कंट्रोल पर। और मान लीजिए अगर आपको ये टाइमर जो लगाया हुआ है ये आपको कैंसिल करना, तो आपको बस एक बार टाइमर ऑन वाला जो बटन वापस से दबाना है। ये देखो यहाँ पे जो टाइमर ऑन का जो आपने एक्टिवेट किया था वो कैंसिल हो गया है। तो इस ढंग से टाइमर ऑन का काम करता है। अब आपको बताता हूँ टाइमर ऑफ वाला। तो टाइमर ऑफ होने के लिए मेरे को एक बार एयर कंडीशन ऑन करना होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एयर कंडीशन ऑन हो गया है और यहाँ पे टाइमर ऑफ का फीचर जो है इस ढंग से काम करता है कि मान लीजिए अगर आपको एयर कंडीशन 2 घंटे बाद पूरी तरह से बंद हो जाए, तो यहाँ पे आप टाइमर ऑफ वाला फीचर यूज कीजिए और इसको एक्टिवेट करने के लिए सिर्फ आपको दबाना है एक बार टाइमर ऑफ पे। जैसे आप दबाओगे यहाँ पे 1 आवर का लिख के आ गया, समझ लीजिए 2 घंटे का यहाँ पर भी लगा देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे आपको दबाना है सेट का बटन। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो टाइमर ऑफ 2 आवर्स लिखा हुआ है और वहाँ पे भी ब्लिंक हो रहा है। तो इस ढंग से आप टाइमर ऑन और ऑफ का फीचर को इस्तेमाल कर सकते हो इस रिमोट कंट्रोल में। ध्यान रखिए एट ए टाइम आप एक ही फीचर इस्तेमाल कर पाओगे, टाइमर ऑन का या फिर ऑफ का दोनों एक साथ में यूज नहीं कर पाओगे, इस चीज का आप ध्यान रखिए। बात कर ले यहाँ पे टेम्परेचर के बटन के बारे में, तो ये बेसिकली आपके रूम का टेम्परेचर बताता है कितना है एट प्रेजेंट। फिलहाल इस मॉडल में ये सपोर्ट नहीं करता अनफॉर्चुनेटली। और उसके बाद यहाँ पे सेट का बटन तो मैंने बता दिया, इसको टाइमर ऑन ऑफ करने के लिए यूज किया जाता है। और जो वाईफाई का बटन है इसमें ये फीचर सपोर्टेड नहीं है, बस आप कितना भी दबाओ कुछ भी काम नहीं करता, बस ये देखो ब्लिंक होते रहता है वाईफाई का आइकन, बट इस एयर कंडीशन में वो सपोर्ट नहीं करता। तो दोस्तों यही थी सारी डिटेल्स इस रिमोट कंट्रोल के फीचर्स के बारे में। मुझे उम्मीद है कि काफी हद तक आपको समझ में आ गया होगा किस ढंग से इस रिमोट कंट्रोल के फीचर्स काम करते हैं। इसी के साथ ही साथ अगर आप ये एयर कंडीशन लेने का प्लान कर रहे हो तो मैंने इसकी जो बाइंग लिंक है डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। इसी के साथ ही साथ रिकमेंडेड जो एयर कंडीशन है हमारी तरफ से, उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जरूर जाके चेकआउट कीजिए। इसी वीडियो को आप यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगला जो वीडियो होने वाला बहुत ही धमाकेदार होने वाला, जहाँ पे दो मेजर एसी को मैं कंपेयर करने वाला हूँ लाइव आपके सामने। तो वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब करिए, बस बेल आइकन दबा के रखिए, वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो बस आप वीडियो को खत्म करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग। हैप्पी गाइड, बाय बाय।